वेलकम टू शिल्पीज किचन। आपका शिल्पी किचन में स्वागत है। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें शिल्पी किचन को। थैंक यू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्रेड पकौड़ा, जो इंस्टेंट बन जाते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। ब्रेड पकौड़े काफ़ी क्रिस्पी और टेस्टी हैं और यमी हैं। मैंने ब्रेड पकौड़े को बहुत ही आसान और अलग तरीके से बनाया है। ब्रेड पकौड़े बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए, चलिए फ्रेंड्स मैं आज आपको इस तरीके से ब्रेड पकौड़ा बनाना सिखाऊंगी, जिससे ब्रेड कम तेल सोखेंगे और खाने में उतने ही टेस्टी लगेंगे और क्रिस्पी भी होंगे, अंदर से भी क्रिस्पी और बाहर से भी क्रिस्पी होंगे। अधिकतर हम लोग ब्रेड पकौड़ा खाते तो उसमें काफ़ी ऑयल रहता और बहुत ही चिपचिपा होता है, जो हेल्थ के लिए सही नहीं है। तो मैं आपको अलग तरीके से बताऊंगी। पहले मैंने इन ब्रेड को चार भागों में काट लिया, फिर तवे पे बिना ऑयल के, बिना तेल के इसे सेक लिया है और इसे चार भागों में काट लेना है। फिर उसके बाद जब हम इसे तलेंगे, अपने बेसन में हम तलेंगे, तो ये अंदर से भी क्रिस्पी होंगे और बाहर से भी क्रिस्पी होंगे। और ये ट्रिक आप आजमा के देखें, काफ़ी अच्छा टिप है। देखिए इस तरह से ब्रेड के मैं चार भाग कर लूँगी और इस तरह से तवे पे मैं सेक लूँगी, बिना ऑयल के आपको सेकना है। इस तरह से मैं रेड करके सेक ली हूँ, दोनों तरफ से लाल हो चुके हैं। उसके बाद हमें चाहिए बेसन चाहिए हमें। देखिए मैंने बेसन लिया है, एक कटोरी बेसन ले, बारीक कटा हुआ प्याज ले, बारीक कटा हुआ धनिया की पत्ती लें, दो चम्मच बारीक सूजी लें, साथ में मसालों में हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, साथ में अजवाइन, रेड चिल्ली पाउडर, नमक, और मैं इसमें विनेगर भी लूँगी, एक टीस्पून डालें, ज़्यादा नहीं डालना, इससे पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बॉल लेंगे, उसमें हम अपना बेसन ऐड करेंगे। हमें इसका गाढ़ा घोल बनाना है, पतला घोल नहीं बनाना है। साथ में हम अपनी सूजी ऐड करेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज, प्याज हमें बारीक ही काट लेना है। साथ में बारीक कटा हुआ हरा धनिया, आप इसमें रेड चिली भी डाल सकती हैं। साथ में मसालों में हम हल्दी पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, अजवाइन, रेड चिल्ली पाउडर, आप रेड चिल्ली पाउडर के साथ हरी मिर्च भी यूज़ कर सकती हैं बारीक कटा हुआ, साथ में नमक स्वाद अनुसार। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप हरी मिर्च ना यूज़ करें, इसमें मैंने रेड चिल्ली पाउडर ही यूज़ किया है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे पानी डालकर, थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल के इसमें हमें मिक्स करना है, ज़्यादा पतला घोल हमें नहीं करना है, गाढ़ा घोल करना है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का आपका इसका बैटर होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे मिक्स कर लें और इसे हमें 10 मिनट तक रेस्ट देना है, ताकि सूजी भी इसमें अच्छी तरह से फूल जाए। ये देखिए हमारा बैटर इस तरह से होना चाहिए। 10 मिनट के बाद फिर हम इसे चेक करेंगे, अगर ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो फिर पानी ऐड करके इसमें करेंगे। ये देखिए 10 मिनट के लिए फूलने के लिए रख देंगे। हमारा बैटर फूल कर तैयार हो गया है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी सही है, गाढ़ा घोल है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह का गाढ़ा घोल रखें। अब हम इन ब्रेड पकौड़े
ब्रेड को इसमें डिप करके फ्राई करेंगे। साथ में मैं विनेगर डालना भूल गई, इसमें 1 टीस्पून विनेगर डाल दूंगी। बस थोड़ा सा ही ऐड करना है, इसे मिक्स कर लें। बनाते वक्त ही इसमें ऐड करें, पहले से ऐड नहीं करना है इसमें हमें। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हम ऑयल गर्म ही चाहिए। देखिए मैंने बेसन में इस तरह से ब्रेड को डाला है, इसके ऊपर से कोट कर दिया है, ये देखिए। उसके बाद इस तरह से हम डालते जाएंगे एक एक करके ब्रेड स्लाइस को। गैस का फ्लेम हमें मीडियम टू हाई रखना है, हाई फ्लेम पे इसे हमें पका लेना है। हमारे ब्रेड पकौड़े तल कर तैयार हो गए हैं। देखिए ये काफ़ी क्रिस्पी लग रहे हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। क्रिस्पी होने तक इन्हें तल लेना है। इसी तरह से हम सारे ब्रेड पकौड़े निकाल लेंगे अच्छे से। ये देखिए मैंने इसे टोमेटो सॉस के साथ सर्व किया है। साथ में मैंने चाट मसाला लिया है। चाट मसाला इस पर छिड़कना बिल्कुल ना भूलें, चाट मसाला के बिना ये अधूरे हैं। चाट मसाला आप इस पर छिड़केंगे गर्मा गर्म पे तो ये चिपक जाएंगे और खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। आप इसे ट्राई करें, बच्चों के तो फेवरेट होते हैं। थैंक यू। जय श्री राम।